हेलो गाइस, आज शुरू करते हैं क्लास नाइन्थ के एग्ज़ाम आइडिया के प्रोफिशिएंसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 अपॉन 81 टू द पावर -3 अपॉन 4। ये हमारा बेस है एंड ये हमारी पावर है, -3 अपॉन 4 हमारी पावर है। तो जब पावर माइनस में होती है उसे प्लस में करने के लिए हमें अंदर का बेस रेसिप्रोकल करना होता है। तो 16 अपॉन 81 को हम कर देंगे 81 अपॉन 16 टू द पावर 3 अपॉन 4। ये जो पावर है ये प्लस में हो जाएगी। इसके बाद हमें इसके फैक्टर बनाने होंगे जो 4 में आ जाने चाहिए। जो आपकी पावर है उसका जो डेनोमिनेटर होगा उसमें आने हैं। तो हम पहले किसका करेंगे, 81 का। 81 का करने के लिए 3 से करेंगे 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब यहाँ पे कितने आ गए, 3 की पावर कितनी हुई, 1 2 3 4, 3 टू द पावर 4। ऐसे ही हमें 16 के करने होंगे। तो 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इट मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा, 1 2 3 4। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4। इट मीन्स हमारा हो गया 3 अपॉन 2 टू द पावर 4, होल पावर 3 अपॉन 4। जब अंदर की पावर बाहर वाले की पावर के साथ होती है इसे हमें इंटू करना होता है। तो 3 अपॉन 2 टू द पावर 4 इंटू 3 अपॉन 4। 4 से हमारा 4 कट हो जाएगा और हमारा बच जाएगा 3 अपॉन 2 द पावर 3। इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 27 अपॉन 8। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 टू द पावर -1 अपॉन 4 टू द पावर 3। ये पावर जो हमारी होती है मल्टीप्लाई में होती है, हम इसे अंदर लिख लें या इस वाली पावर को बाहर ले जा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें क्या करना होगा, इस वाली पावर को हमें अंदर ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये पावर हमारी फ्रैक्शन में है और 7 के हमारे ऐसे फैक्टर कोई भी नहीं होगा कि जिसका डेनोमिनेटर 4 में आ जाए। तो इसलिए हमें 7 टू द पावर 3 होल पावर -1 अपॉन 4 रखना होगा। 7 की पावर 3 है तो 7 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना होगा। आंसर आ जाएगा हमारा 3 4 3 अपॉन 1 टू द पावर -1 अपॉन 4। फिर इस पावर को माइनस से प्लस में लाने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर का बेस रेसिप्रोकल करना होगा क्योंकि इसके नीचे 1 होता है। तो 1 अपॉन 3 4 3 टू द पावर 1 अपॉन 4। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5√6 + 3√6। 5√6 + 3√6 हमारे पास, क्योंकि रूट का जो अंदर का वैल्यू है वो हमारा सेम होता है, तो इसलिए जो बाहर का वैल्यू होता है उसे हमें केवल प्लस करना होता है, या फिर यदि यहाँ पर माइनस होता है तो केवल माइनस करना होता है। तो 3 + 5 = 8 एंड साथ में हमारा क्या है, √6। तो √6 वैसे ही आना है क्योंकि दोनों जगह सेम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ √12 एंड √18। अब हमारे इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं। एक मेथड ये है हमारा कि √12 × √18 इट इज़ इक्वल टू √216। इट मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पे √12 × √18 एक साथ इसको मल्टीप्लाई करके आंसर हम ये ले आएंगे। इसके फिर हमें फैक्टर करने होंगे। हम फैक्टर करेंगे तो हमारे आ जाएगा 2 2 1 2 2 0 एंड 2 8 जा। फिर 2 से करेंगे दोबारा से तो 5 4, 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 3 9 जा और 3 1 जा। हमारे ऐसे फैक्टर आ जाएंगे। तो इसमें हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई भी शर्त नहीं लिखी हुई है, कोई भी पावर नहीं लिखी है, इट मीन्स हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट करने के लिए हमें दो दो के पेयर बनाने पड़ते हैं। तो 2 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, अब हमारा बचता है 2 एंड 3। ये हमारे रूट के अंदर ही रहेंगे। तो इसे हमें बाहर लाने के लिए 2 का एक पेयर का 2 बाहर आ जाएगा एंड 3 के एक पेयर का 3 बाहर आ जाएगा और इंटू में होगा ये। तो 2 इंटू 3 और रूट के अंदर हमारा जो बचा हुआ पोर्शन है वो आ जाएगा 2 इंटू 3। इट मीन्स 2 3 जा 6 एंड रूट के अंदर भी 2 3 जा 6। दिस इज़ हमारा फर्स्ट मेथड आंसर। सेकेंड मेथड में हमारा क्या होगा, हम इसे बहुत शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पहले क्या किया है, दोनों का मल्टीप्लाई किया है, देन हमने फैक्टर किए हैं। पर हम ऐसे ना करके यदि हम इसे ऐसे करें, क्योंकि मल्टीप्लाई बीच में है, तो हम 12 के पहले फैक्टर कर लेते हैं और देन हम 18 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर में क्या हो जाएगा, 2 6 जा एंड 2 3 जा एंड 3 1 जा। यानी कि 2 का फिर हमें, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई भी शर्त नहीं लिखी हुई है, या इसका मतलब ये है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है।
फिर वही टू का एक पेयर हमें बाहर लेके आना है यहाँ पर, और जो हमारा सिंगल बचता है उसे हमें रूट के अंदर ही रखना है इनटू, ऐसे हमने 18 के किए हैं, 18 टू नाइन जा एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा, यहाँ पे हमारा 3 का एक पेयर बना है, 3 को हम बाहर ले लेंगे, इनटू हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और जो हमारा सिंगल बचा है पेयर नहीं है अनपेयर नंबर को हमें फिर रूट के अंदर ले लेना है। अब इसकी इनटू कर देनी है 2 × 3, क्योंकि हमारा ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में रूट 3 के, एंड ये पूरा मल्टीप्लाई है 3√2 के, और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई है √2 के, तो 2 × 3 एंड √3 × √2, फिर हमारा जाता है 6√6। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डेनोमिनेटर डू वी ऑब्टेन आफ्टर रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर ऑफ 4/7√5 − 5√7। हमें से रेशनलाइज करना होगा जो हमारा डेनोमिनेटर है, इसमें जो हमारा बीच का साइन होता है इसका हमें अपोजिट साइन लेकर हमें न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में इसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। फिर हम इसका ऐसे लिख देंगे, इसको अपोजिट साइड में प्लस में ला के हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है और डेनोमिनेटर में भी करना है। इसकी मल्टीप्लाई हम इस पूरे के साथ करेंगे, तो 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 7 के, क्योंकि हमारा 7 और 4 दोनों ही क्या है, विदाउट रूट है, तो 4 × 7 = 28 एंड √5। फिर प्लस का मार्क आ जाएगा 4 × 5, इट मीन्स 20√7 अपॉन, अब हमारा यहाँ पे क्या है, 7√5 − 5√7 इंटू 7√5 + 5√7, इट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या जा रहा है, आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे है a माइनस बी, अगर हम इसे a मानते हैं तो ये हमारा a माइनस बी हो जाता है और ये हमारा a प्लस बी हो जाता है, तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा एंड इसका भी, तो हमारा हो जाएगा 7√5² − 5√7². अब हम इसे खोलना कैसे है, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 × 7 एंड 5 का क्या होगा, √5 तो 7 × 7 = 49 और √5 एंड √5 जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो रूट सेम नंबर के होते हैं तो वही नंबर हमारा आ जाता है, तो 49 × 5 इट मीन्स 245। इसी तरीके से हमें इसका हो जाएगा 5 × 5 × √7 × √7, 5 × 5 = 25 एंड √7 × √7 हमारा 7 ही हो जाएगा, और 25 × 7 = 175 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 28√5 + 20√7 अपॉन 245 − 175, देन हमारा आंसर आ जाएगा 72, 45 − 175 = 70, द डेनोमिनेटर इज 70, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इज द नंबर 5 + √4 × 5 − √4 रेशनल और इरेशनल। अब हमें इसे क्या करना होगा, इसे सॉल्व करने के लिए आई हैव टू सॉल्व फर्स्टली, अब आपकी आइडेंटिटी फिर यहाँ पे दोबारा से क्या लग जाती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा ये a है ये b है ये a है ये b है, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 5² − √4² 5 × 5 = 25 एंड √4 × √4 क्या हो जाएगा, वही सेम प्रोसीजर 4, तो 25 − 4 हो जाएगा हमारा 21 और 20 इज़ अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 देन इज एक्स ए रेशनल और एन इरेशनल नंबर। आई हैव टू सॉल्व फर्स्टली, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, जो हमारा ये पावर होता है इसको खोलने के लिए, या तो यहाँ पे हमारा क्या होगा स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, पर 18 का हमारा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए हमें एक्स इज इक्वल टू √18 के फिर वही फैक्टर करने हैं, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, अब हमारा फिर क्या निकला है, 3 का एक पेयर बन जाता है, 3 बाहर निकल जाएगा एंड √2 अंदर रह जाएगा। अब हमारा क्या है, 3 × √2 और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज अ इरेशनल, इट इज़ अ इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट वेदर −1 + √2 लाइज इन द नेगेटिव और पॉजिटिव साइड ऑन द नंबर लाइन। −1 + √2, आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ √2 फर्स्टली, तो √2 की वैल्यू क्या होगी, 1.414, हम यहाँ पर इसको पुट कर लेंगे, −1 + 1.414 इज इक्वल टू
इसको माइनस करके हमारा आंसर आ जाता है पॉजिटिव 0.414. इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, सो इट लाइज पॉजिटिव साइड ऑन द नंबर लाइन. थैंक यू. यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चिल कीजिए.